हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। सो आज के वीडियो के लिए मैंने ये फेस्टिव मेकअप ट्यूटोरियल किया है, जो कि बहुत ही सिंपल मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए, बहुत ही मिनिमल मेकअप यूज़ किया है। सो या इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस मेकअप लुक, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं अपने बाल जो है ना उसको साइड में करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 बार कमेंट आ चुका है कि आप अपने बाल साइड में रख के मेकअप करो, तो आज हम वही करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है लॉरियल का ये सीरम, और मेरी स्किन ना थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड फील हो रही थी, इसके लिए मैं अपना स्किन केयर जो है वो काफ़ी अच्छे से करने वाली हूँ। तो सीरम के बाद में मैंने सेम लॉरियल का ये रिवाइटल क्रिस्टल क्रीम यूज़ किया है। इसका कंसिस्टेंसी जेल लाइक है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, चिपचिप बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। तो मैंने लैक्मे की सनस्क्रीन यूज़ की है, ये वाली टिंटेड सनस्क्रीन है, इसका SPF 50 है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सनस्क्रीन कभी भी नहीं मिस करनी चाहिए, कोई भी सीज़न हो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए आपके फेस पे। इसके बाद में मैंने यूज़ किया है ये कंसीलर, जो कि रीसेंट परचेस है, और इसको मैंने नायका से ख़रीदा है। तो इसको मैं अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर हम अपने आईलेट्स को अच्छे से प्राइम कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे इस कंसीलर को। इसके बाद में मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन का ये पैलेट यूज़ किया है, और उसमें से एस्टेरॉयड शेड यूज़ करके मैं अपना कंसीलर जो है वो सेट कर दूंगी। इसके बाद में मैंने दूसरा शेड यूज़ किया है, जो कि बर्गंडी पर्पल सॉर्ट ऑफ शेड है, और इसको मैं अपने पूरे आईलिड्स पे लगाऊंगी एज़ यू कैन सी। तो आपको चाहिए तो आप इस कलर का इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो और कलर यूज़ करके, बट मैं इतने ही कलर में खुश थी तो मैंने और नहीं यूज़ किया। इसके बाद मैं ये शैम्पेन शेड यूज़ करूँगी मैं, और इसको मैं ऑल ओवर अपने आईलिड्स पे यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, एंड कितना सुंदर आई मेकअप लग रहा है। एंड इसके बाद में हम यूज़ करेंगे कंसीलर, जो कि है लैक्मे 925 कंसीलर, इसका शेड है आमंड। तो इसको मैं एज अ फेस करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, बट ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इसको एज अ करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है अराउंड माई माउथ, वहाँ पे इस कंसीलर को लगा के अच्छे से विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर दूंगी। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अमेजिंग है, इसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में फॉर फेस मैं आज यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का प्रोडक्ट। तो ये नया प्रोडक्ट है, एंड ये उनका स्किन टिंट है, ये कोई फाउंडेशन नहीं है, ये स्किन टिंट है। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत ही लाइट वेट मेकअप करना है, फेस्टिव मेकअप है, तो स्किन लाइक लगना चाहिए, इसके लिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट जो है वो आज के वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है। इसमें जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ उस शेड का नाम है हनी, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्रोडक्ट है, बिल्कुल आपके स्किन जैसा लगता है, आप कितने भी लेयर्स लगा लो। मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स लगाए थे, लेकिन ये डार्क स्पॉट वगैरह बिल्कुल नहीं छुपाएगा, क्योंकि ये स्किन टिंट है। इसके बाद मैं सेम कंसीलर यूज़ करूँगी जो मैंने आईलिड्स पे यूज़ किया है, और ये मेरे स्किन टोन से लाइट है, तो इसको मैं एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ करूँगी अंडर माय आईज, थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे, और थोड़ा सा मैं इसको अपने फोरहेड पे लगा के विद द हेल्प ऑफ अ सेम ब्यूटी ब्लेंडर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा हाइलाइटिंग वाला इफेक्ट आया है, थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट आया है। इसके बाद में मैं अपने फेस को सेट करूंगी यूजिंग माय फेवरेट मेबलिन फिट मी लूज पाउडर, जो कि है शेड नंबर 20 में। तो पूरा फेस अच्छे से सेट करने के बाद में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये ब्राउ जेल, जो कि अगेन ब्लू हेवन का न्यू लॉन्च है, और इसमें जो मैंने शेड लिया है दैट इज़ ग्रे, आप इसका वॉन्ड देख सकते हो, बहुत ही प्रिसाइज वॉन्ड है। इसमें 2 ही शेड आते हैं, एक ब्राउन आता है, एक ग्रे आता है, तो ब्राउन मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, तो मैंने ग्रे शेड मंगाया, दैट वॉज परफेक्ट मैच। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे ये माई ग्लैम का ब्लश यूज़ किया है, एंड एकदम नेचुरल सटल काइंड ऑफ ब्लश है ये, बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन प्रो का हाइलाइटर यूज़ किया था, वो वाला क्लिप जो है वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया, बट मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है। इसके बाद मैं आईलाइनर के लिए मेरा फेवरेट लैक्मे इंस्टा आईलाइनर यूज़ करूँगी, और एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा जो विंग्ड है, मैं थोड़ा सा बड़ा वाला विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ की हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं लोअर लैश
लैश लाइन पे सेम कलर्स यूज़ करेंगे जो हमने अपने आईलिड्स पे यूज़ किए थे। एंड इसके बाद में फॉर लिप्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्लम की ये मैट लिपस्टिक, जो कि इसका शेड है वेरी बेरी, बहुत ही प्यारा शेड है, पर्पल वाइन दोनों मिक्स है इसमें। एंड ये है मेरा ट्रांजिशन। सो या आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन आती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।